है गुंजन सेठ का, गुंजन सेठ का क्या रोल है? गुंजन है, गुंजन के दो लड़के का नाम है, गुलाम पके के दो तीन लड़के के नाम है। कौन सा कागज उनके कौन सा है? पेपर है ऑलरेडी। हाँ। हमारा अभी तक नाम है उनके नाम पर 7-12 दो जन का है। क्या हमारे नाम पे भगी के नाम पे नहीं है? 26 साल से प्रॉपर्टी मेरे दावे में है, उसमें से 3 घंटे ना हमारे गायब है। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि तुम्हारी जगह तुम ये लोग नहीं दिए, तुम्हें गुंडा बनाया। जो ऑर्डर लिया लेके आया था फेक ऑर्डर था। महफूज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। पिछले 2 दिन से एक मुद्दा काफ़ी गर्म है उमरा कौसा भारत गेर के दरमियान, वो मुद्दा है जमीनी विवाद। दो पक्षों में जो है दावा हो रहा है कि जमीन मेरी है कि उनकी है, किसकी है। बहरहाल इसके पहले किसी और का कब्जा था और अब किसी और का है। मैं वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा, आप मेरे वीडियो में आगे देखिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नज़ारा है वहाँ का। बहरहाल मेरे साथ आज उस जगह के जो मालिक अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, जिनका कब्जा है, गुलाम हुसैन फकी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये ज़मीन किसका है, कितने सालों से विवाद चल रहा था और आगे क्या होने वाला है। और दूसरी बात, दूसरी पक्ष का भी हम आपको सुनाएंगे, उनका क्या कहना है। बहरहाल पहले गुलाम हुसैन फकी से हम जानते हैं आखिर ये ज़मीन किसका है, कैसा है। तो आप मुझे ये बताइए गुलाम हुसैन फकी साहब, जिस ज़मीन पर आपका कब्जा है वहाँ पर आपका वोट लग गया है गुलाम हुसैन फकी, ये पिछले 2 दिन में जो है जो हुआ है पूरे मुमरा में, मुमरा कौसा में हंगामा है, तो आखिर ये ज़मीन है किसकी, क्या कहें? ये जमीन मेरी खुद की है, ये आज से नहीं, 1994 से लेकर आज तक जमीन वो मेरी है। और 7 अगस्त 2020 तक जगह मेरे ही ताबे में थी और है अभी भी, लेकिन कोरोना पीरियड होने की वजह से मैं क्वारंटाइन में रहने की वजह से सामने वाली पार्टी ने जो शेतकरी था 7-12 के नाम, गलती से 7-12 उसके नाम पे रहा था, वो 7-12 के चांद से इन्होंने वो अपने जमीन का एक सेकेंड रजिस्ट्रेशन किया। हालांकि मेरा रजिस्ट्रेशन 94 का रजिस्ट्रेशन मेरा है, तो इन लोगों ने वो होते हुए भी न इन्होंने सर्च रिपोर्ट निकाले, न किधर पेपर अटेंडमेंट किए, कुछ भी न करते हुए डायरेक्ट वो 7-12 की जान से इनको कुछ नकली बोगस एग्रीमेंट किए। वो एग्रीमेंट के अंदर इनको सामने वाला पार्टी मेरे को मिला था तो बोले कि मेरे को 3.5 करोड़ के अंदर बात हुई थी, लेकिन 35 लाख रुपए मुझे मिले हैं, तो वो हिसाब से मैं उनको थोड़ा मदद हेल्प किया। तो उन्होंने जब कम्प्लेन की तो सामने वाली पार्टी जो लेने वाली फिरोज बदरुद्दीन खान और प्रभाकर भोईर, इनके नाम से चिटिंग 420 का केस किया, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गया और उनको केस किया उनके ऊपर। कौन केस किया है? अभिमन्यु जो बेचा था वही, जो बेचा था वो जी, वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने बेचा है वो फिरोज बदरुद्दीन खान और प्रभाकर जो भोईर हैं, इनको बेचा है आपको नहीं। वो तो बोलते हैं कि आपसे कोई हमारा वास्ता ही नहीं। उनका वास्ता क्या? उनके बाप दादा, उनके बाप ने, उनके दादा ने हमको बेचे ले। अच्छा। हाँ। मतलब ये तभी बच्चे थे। अच्छा। हाँ। मेरे पास सब कागज है, पड़े ले मेरे पास, फोटो मारो, ये जमीन के कागज है मेरे पास, रजिस्टर देखिए, सब मेरे पास है, कोर्ट की पावती है। जैसा आपके पास कागज है ऐसा उनके पास भी कागज है? नहीं है, सब गलत बात है, झूठी बात है। उनके पास कौन सा कागज है? उनके पास कौन सा है? मेरे पास 1994 पेपर है। हाँ। और उनके ओरिजिनल जो मालिक शेतकरी जो उनके उनकी साइन है इसके ऊपर। अच्छा। और इसे फोटो मार सकते हैं आप। ये बच्चों लोगों ने आपस में क्या किया, या अभिमन्यु जो फ्रॉड आदमी है, वो फ्रॉड आदमी ने अपना बाप मरने के बाद वो जरा उस फैमिली के अंदर एक सेम्पी तैयार हो गई, एक अच्छी भी बहुत हो गई। और उन्होंने क्या बोला कि फ्रॉड आदमी ने वो चाचा लोगों से बोला कि भाई तो आप इनके नाम पे कर दो, उनके बच्चों के नाम पे महत्व शोध पत्र। और उन्होंने वो आपके शोध पत्र करने के बाद ये कजन ब्रदरों के पास से इन्होंने खुद ने अपने नाम पे
सात बारह घुमाया हक को पत्र। अच्छा ये मुझे बताइए आपने किससे लिया वो बताइए और उन्होंने किससे लिया, लिया तो दोनों जन बराबर ही है। इन्होंने सिर्फ उनके पास भी पेपर है और आपके पास भी पेपर। अभिमान जो है अभिमान को कोर्ट ने बताया किया तो उसका कोई हक ही नहीं है। उनके बाप लोगों ने चाचा लोगों ने जो मेरे को दिया रजिस्ट्रेशन किया 94 में तो इनको दूसरा हक कसर पत्र का हक ही नहीं होता है। ये बोगस सब केल है आपस में बैठ के। तो ये लोग मतलब वो लोग बोगस पेपर वगैरह बनाए जी बोलो। मैं आपको पूरा बता दो ये क्या उसका पेपर है। ये पूरी डॉक्यूमेंट ये क्या ये देखिए ये सब इसके अंदर एक ये जो उन्होंने 3.5 करोड़ का जो लिखा है उसके अंदर जो चेक लिखे हैं एक चेक के ऊपर भी तारीख नहीं और चेक भी बैंक में गया नहीं। हम लोग सब सर्च निकाले बैंक वाला बोलते हमारे पास कोई चेक नहीं आया। लेकिन इन्होंने 420 इसका कंप्लेंट करने के बाद ये लोगों ने ये आदमी को अभिमन्यु को कुछ लालच दे के कुछ पैसा दे के बोला कि भाई आगे मत बढ़ो या ये बात रुको तो बात रुक गई। मान लिया मैं जब आपका मतलब आपके नाम पे भी है और उनको भी बेचा गया है उनके पास भी पेपर है उनका इसके पहले कब्जा था। उनके पहले आपका कहाँ कब्जा था? मेरा ही कब्जा था पहले से कब्जा था। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब उनके पास सब पेपर थे एग्रीमेंट था ये सब 2000 मतलब 18 से 19 की बात है तो फिर 2020 के अंदर कोर्ट ने उनको क्यों फेटाला क्यों फेटाल दे बाजू मेरे तरफ से क्यों लगाई? उनका कहना है कि जो है आप जो है ये सेशन कोर्ट में गए थे जी वहां से जो है आपको एक आई थी नोटिस की मतलब कि एक महीने में आप जो है उस जगह को मेरे में उनको बोली थी उनको उनको नोटिस आई थी उनको जब उन्होंने कब्जा किए थे शॉर्टकट शॉर्ट टाइम के लिए तो मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में हमारे वकील ने 2 महीने के अंदर ताबड़तोड़ वेरिंग करके वो केस को अपने अंडर में ले लिया मेरे फेवर में निर्णय लगाया और उन्होंने ऑर्डर की कॉपी दी ऑर्डर की कॉपी आपको बता दो तुम्हारे फेवर में हेयरिंग आई उसके बाद उन्होंने जो है हमारे हियरिंग में ऑर्डर आई हमारे पास ऑर्डर आई उसके बाद उन्होंने जो है हाई कोर्ट को चुना मतलब हाई कोर्ट में गए हाई कोर्ट से वहां पे इस जमीन को लेकर स्टे लगा दिए तो फिर वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। नहीं पैसा गलत हो सकता है इन्होंने जो उनका कहना है कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या बोलता हूँ कुछ भी बोले दो ये इन्होंने जो जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है ढाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो कोर्ट ऑर्डर दिया है वो कोर्ट को उसने आगे गया कि जो एक महीने का टाइम दिया है इसको हमको जरा एक्सटेंशन दिया जाए कुछ महीने की सपोर्ट दिया जाए। लेकिन कोरोना पीरियड की उसे कोर्ट चला ही नहीं। जब साल बीतने को आया तो फिर मैंने अपना जो है सामान डाल दिया अंदर उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो कह रहे हैं कि कब्जा कोई हाँ कोई स्टे स्टे मिले जाने उनको कोई स्टे नहीं कुछ नहीं गलत बात है बताओ कैसे आप कह सकते हैं स्टे नहीं है। वो से सर्टिफाइड कॉपी कह रहे हैं स्टे है आप कह रहे नहीं है सर्टिफाइड कॉपी बताओ समझो बस आपके पास है स्टे नहीं है नहीं है हमारे आता है सब बताइए क्या ये ऑर्डर है कहाँ ऑर्डर है इनको स्टे कहाँ मिले जाए। अच्छा इसमें है ये कभी निकाले थे आप 25 तारीख को 25 तारीख को मतलब निकाले थे स्टे ऑर्डर नहीं है नहीं है उनको सर्टिफाइड कॉपी बताए मान लेंगे। तो ये जो आपने किया धाबा डाल दिया उनका पतरा मारा हुआ था 3-3 कंटेनर थे वॉचमैन थे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड थी उनको जो है आपने FIR भी हुए हैं आप लोगों के नाम पे उसमें भी बयान है कि मतलब सिक्योरिटी गार्ड को जो है आप लोग किडनैप कर लिए थे और वहां पर अतरे पतरे जो लगे हुए थे उसको JCB और हाइड्रो से जो है उसको तोड़ दिया। कुछ नहीं ये चीज जो करे आपने ये कानूनी कायदा से भी तो कर सकते थे उधर कुछ था नहीं तो अच्छा। हम क्या कानूनी कायदा करें हमको कोर्ट ने आदेश दिया कि तुम्हारी जगह तुम ये लोग नहीं दिए वहाँ कुछ भी नहीं था कुछ भी नहीं ये लोग नहीं दिए तो हम घुस गए ये अंदर खत्म हो गया इनको क्या है कुछ नहीं इनको बालमैदा से ये देखा कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया फिर हम अपनी जगह पे थे उधर था उधर ही लेकिन कायदे के अनुसार वो बाहर थे हम बाहर थे लेकिन थे अंदर ही। लेकिन फकीर साहब कोर्ट का पालन नहीं किया वो लोग बात बराबर है मगर जिस वक्त जो है आपको कोर्ट ने आदेश मतलब उनको आदेश दिया था और आपको सूचना दिया था कि वो जमीन को खाली करा के ले लें मेरे को सूचना नहीं उनको सूचना दी उनको सूचना दिया था आपको दे दें वो जगह खाली करके दे दो उनकी दावे में उनकी दावे में दे दो उस टाइम में आपको ये पहल करना चाहिए था। क्या पहल करने की हम कोर्ट कोरोना पीरियड थी कोर्ट चल रहे था उन्होंने कोर्ट में जो केस दाखिल किए तो कोर्ट केस चालू होते हुए भी हम थोड़ा इंतजार किए क्या आगे कल लाके करेंगे इंतजार करने के बाद नहीं किया तो हम अब जैसे कि वैसा वो तो कर दिए। लोग कह रहे हैं कि जो है आप अकेले
मतलब उस पर हावी नहीं हो पाते जो आपने किया है। लोगों का देखो आरोप तो है ही है कि आपने जो है जबरदस्ती जेसीबी लेकर जबरदस्ती तोड़फोड़ की और जो है उनके जो डब्बे रखे थे वो फेंक फाक दिए, किधर गायब कर दिए और उसके बाद आपने कब्जा किया, ये आपके बस की नहीं थी ऐसा लोगों का कहना है। आपके पीछे कौन है? लोग मेरे पीछे कोई ना, मेरा भगवान था, दूसरों कोई पीछे नहीं, मैं अपना अकेले सब कर दिया जो मेरे नहीं। लेकिन इसमें नाम आ रहा है गुंजन सेठ का, गुंजन सेठ का क्या रोल है यार? में भी गुंजन सेठ का नाम है। गुंजन सेठ का सवाल क्या होता है? गुंजन सेठ क्या हमारी पहले की दोस्ती थी? उनका कोई सवाल क्या होता है बताओ? और मेरी जगह मेरे को लेने वो गुंजन सेठ की गलत क्या थी? हर जगह तो गुंजन सेठ का नाम आ रहा है कि गुंजन सेठ ने ही करवाया, वरना आप इतने लोगों को बोल रहे हो क्या है? कुछ है क्या? लोग बोल रहे हो कुछ है नहीं बताओ, लोग कुछ ही बोल सकते हैं। तो यानी ये जो जमीन है ये आपका है, ये आप दावा कर रहे हैं? दावा नहीं कर रहा हूँ। हाय अच्छा, जमीन मेरी है, दावा का है इसमें? 7-12 तो उन लोग के नाम पे है। 7-12 नहीं, ये हक पर सूत्र उनके नाम पे कराया, अंदर में फसलूक हो गई, वो फसलूक उनकी होगी। किसकी फंसाया गया? उनके कजन को जो अभी आए थे आप देखे थे सामने, उनकी फंसाने की वजह से उन्होंने फिर मेरे को क्या बोले कि हमको फंसाया गया, इसलिए वो 2012 के अंदर खुद आके कोर्ट के अंदर लिख के दे दी। अच्छा। कि भाई ये हमको फंसाया गया, यानी अभिमन्यु की तरफ से हमको फंसाया गया, हम गुलाम फकीर को लिख के देते और वो तो ये भी किए आपको डिग्री का लेटर देता हूँ। पुलिस को जो है गुमराह किया, पुलिस को बोला हमारे पास नोटिस है। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ पुलिस को गुमराह करने के लिए? कैसा नोटिस? नोटिस आई ना, आपको फोटो निकालो ना इसका, मैं बताता हूँ आपको गुमराह कैसा, कौन गुमराह कैसा होएगा। ये लो, ये कोर्ट का आदेश है, इसका पालन किया मैंने 5-10-2020। ये पुलिस को लिख दीजिए। तो ये कभी दिए थे आप? उसी दिन सेम डे जिस टाइम वो लोग कब्जा किए। हाँ अच्छा जी, ये तारीख है ना। अच्छा ये मुझे ये बताओ फकीर साहब, उनके नाम पर 7-12 दो जन का है, आपके पास क्या मतलब पेपर है वो आप बताओ, आपके नाम पे क्या चीज है? हमारे पास रजिस्ट्रेशन है पूरा। हाँ जगह का, जगह का। हाँ रजिस्ट्रेशन है। हाँ ये देखो म्युनिसिपैलिटी के लेटर है हमारे नाम के। हाँ ये मेरा नाम है और मैंने किसके पास से लिया, इधर लिखा है इरामागना दातिलकर, ये मेन मालिक था पहले का, इसके पास से मैं लिया है, गुलाम हुसैन पक्की, वो रोड के अंदर हाईवे नंबर 4 में जो जगह किसी जिसी गई है सबकी इंट्री के अंदर, ये फोटो मारो ना। यही नाम तो यही नाम से तो वो भी लिए हैं। अरे कैसे लिए है? वो उनके बेटे के पास से फ्रॉड करके लिए। अच्छा उनके बेटे के पास? इनका बेटा बेटा बाप के पास से लिया हो? बाप वाला सरस रहेगा, बेटे वाला सरस रहेगा। अच्छा तो उनके कजन लोग को उसने वड़वाया, मतलब फसलूक नहीं होती, फसलूक की उसकी, और 7-12 अपने नाम पे किया और नचाने लगा, तो उनको ऐसा लगा उनके जो कजन जो अभी आए थे उन्होंने कोर्ट में लिख के दिए कि भाई गुलाम हुसैन पक्की की यह है, ये हमको फंसाया गया है, ये झूठा ये है 7-12 इसको। अब ये लेटर जो है मेरे नाम का है। हाँ। जब ये कोई कब्जा नहीं होता तो लेटर मेरे को भी आता था। लेकिन जैसा आपको थाने महानगर पालिका की तरफ से आया है चाचा, वैसा ही सेम अभी जो वहाँ पर काम चालू था, जो बिल्डिंग का काम इलीगल कर रहे थे, उस पर जो है MRTPP महानगर पालिका ने लगाई है, उनको लगाई है, आपको लगाना चाहिए था। हमने करवाई, हमें MRTPP से तोड़वाया उसको। अच्छा नहीं, जैसा कि जो MRTPP आपको लगना चाहिए क्योंकि जगह आपकी थी, तो उनको कैसा लगा? कंस्ट्रक्शन वो करके तो MRTPP उनको लेंगे, किसको लेंगे? तोड़ने का आदेश उनको जाएगा ना, हम तो कुछ किया नहीं, उन्होंने इलीगल कर दिए थे। अच्छा, और पत्र की इसमें हमको शुरू में दिखा दें और बाद में जब हमको मालूम पड़ा तो हमने कार्रवाई चालू की और सरकार को MRTPP ने हमारे बात मान ली। तो मतलब कुल मिला के गुंजन सेठ का इसमें हाथ नहीं है? सवाल नहीं पैदा होता है। हा? सवाल नहीं पैदा होता है, गुंजन सेठ का सवाल होता है कि एक दो दूसरे दूसरे को मदद नहीं कर सकते? FIR में नाम कैसा है फिर? इसके अंदर FIR करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं उनके 10 के नाम दे दूं FIR के अंदर, डाल दूं नाम सर्च में, लोगों ने जो मंगाए सर्च। हाँ। ये तो सर्च ऑफिस से मंगाए हैं। हाँ। तो फिरोज एक पढ़ा लिखा इंसान जो खुद को लॉयर बोलता है, फिरोज खाना, और तो उसने ये खरीदी करने से पहले तो कम से कम 1 महीने का गैजेट को ये कर अपना नोटिस देनी मांगती थी जो वकील थ्रो जो देते हैं कि इसके कोई से कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो, या इधर सर्च के चेक करने का था, ये क्यों बिना ये करते हुए
सर्च रिपोर्ट अगर चेक करते तो उनको मालूम पड़ता है कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और एक प्रॉपर्टी एक बार रजिस्टर होती है वो दूसरी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, लेकिन किए गई जबरदस्ती है। आज 26 साल से प्रॉपर्टी मेरे दावे में है, 26 साल से। ये 420 वगैरह जो कलम है मुझे नहीं जानता मैं, लेकिन आप लोग के हिसाब से ये सब देख के आप लोगों ने कलम चढ़ाना चाहिए उधर 420 की फर्जरी वगैरह। मैं बल्कि सरकार से ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर ही कार्रवाई की जाए, 420 कलम उनके ऊपर लगाया जाए, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन भी विनती है कि वो मेरे को मदद करें और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्रेशर तो ज़रूर है, बात ऐसी है कि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं सिर्फ मेरी जो आशा है तो सरकार के ऊपर है, सरकार की जो ये है प्रशासन ने पेपर चेक करें, मेरे भी चेक करें, उनके भी डॉक्यूमेंट चेक करें, अगर उनकी गलती है तो उनके ऊपर कार्रवाई करें, मेरी गलती है मेरे ऊपर कार्रवाई करें। सरकार का ये काम है कि सरकार सबकी माए बाप है, यहाँ पे कौन खासदार हो, आमदार हो, जो भी है वो सबके कानून पर अंतर है, पालक मंत्री हो, सब सबके भाई माँ भी माँ बाप है। ये नहीं कि इसको इसका न्याय करने का नुकसान नहीं करने का, गलत बात है। पेपर चेक करिए, पेपर में जो है वो सही, उसमें मानता हूँ। हम पालक मंत्री के साथ गए थे, पालक मंत्री गार्डियंस मिनिस्टर में जो सबकी पालक मतलब सबके पालक है, पूरी जनता के पालक है, तो उन्होंने जो मेरे को आशा थी, जो आशा लेके गया था कि मेरे तरफ से कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं, पुलिस वाले बोलते हमको ऊपर से दबाव होता है, हम क्या कर सकते हैं। तो आपने सुना जो है गुलाम फकीर जिनका अभी कब्जा है वो अपने जो है दावा कर रहे हैं कि जो जमीन इन्होंने अभी फिलहाल इनका वहाँ पे जो है कब्जा है, नाम बोर्ड देखे होंगे आप जो है, मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, ये उनका नाम है और ये मेरे साथ बैठे थे, इनसे ही हम बात कर रहे थे। जो जमीन पे कब्जा है वो इससे पहले मतलब जो फिरोज बदरुद्दीन और जो है भोईर जो दो लोग हैं सात बारे में नाम है, वो लोग जो है इनसे इनके बाद में लिए थे, ये पहले लिए थे, मतलब ये बाप से लिए हैं और वो बेटे से लिए हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं कि मतलब जब हमको जमीन पहले बेच दिया गया तो फिर दोबारा कैसे बेचा गया, ये सवाल इनका है। हमारे ही ताबे में कई साल रही है और उसके बाद अचानक ये लोगों ने जो है ताबा ले लिया था और फिर हमने जो है अपना ताबा ले लिया है। अब सवाल यहाँ है कि अब ये मामला जो है कोर्ट ही फैसला करेगी, कोर्ट ही पार लगाएगी, क्योंकि इनके पास भी दस्तावेज हैं और वो कह रहे हैं हमारे पास 7-12 में नाम है, और हम दूसरी पक्ष का जो है हम आपको भी बात सुना रहे हैं, आप उनका भी सुनिए। ये दूसरे पक्ष हैं जिनके नाम पे वो जमीन है, 7-12 है, जो दावा कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर जो है इनके पास क्या पुरावा है, इनके पास क्या कागजात हैं, जो है ये कहां तक मतलब जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और क्यों ऐसा हुआ, क्या इन्होंने किया। क्या नाम है आपका? मेरा प्रभाकर भोईर। अच्छा, तो प्रभाकर भोईर साहब आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या विवाद चल रहा है, इसके पहले जमीन आप लोग के हाथ में थी, आप लोगों का कब्जा था, और अचानक में फिर ये कैसे हुआ? एक तो ये है मेरी जगह है दोस्ती के पीछे सिलादी में 86 घंटा मेरा जगह है, और ये जगह में हमारे दोनों के नाम पे है, फिरोज बदुद्दीन खान और प्रभाकर माधु भोईर, हमारे दोनों का नाम का 7-12 है। अभी उन्होंने रामा दातिलकर इनके पास से हमने जगह 2005 में खरीदी हम लोग ने, उस वक्त किसी का कुछ भी नहीं था, पूरा जगह टाइटल उनके नाम पे थी, उनके नाम से हमने टाइटल लिया, वो जगह 32 घर की जगह थी। किसके नाम से लिया आप? अभी उन्होंने रामा दातिलकर, हाँ, उनके पास से हम लोग ने जगह खरीदी, हमने रजिस्टर परवानगी लिया, जो हमारे 32 घर का परवानगी रहता था सेल परमिशन हम लोग ने लिया, सेल परमिशन लेके हम लोग टाइटल लेके हम लोग ने जगह टाइटल किया। कितने लोग हैं उसे मतलब जो है 7-12 में कितने लोग हैं, किसके नाम पे? एक ही आदमी था, हाँ, अभी उन्होंने रामा दातिलकर, उससे हम लोग ने लिया, दो जन हाँ। कौन कौन? फिरोज बदरुद्दीन खान, हाँ, और प्रभाकर माधु भोईर, मतलब मैं, मतलब आप, दो जन का नाम का 7-12 लिए थे। 2020 में हम लोग ने लिया था ये जगह हमारे नाम पे किया, हम लोग ने उसी वक्त सर्वे किया, गवर्नमेंट सर्वे किया, सर्वे करके सबको नोटिस गई आजू बाजू वाले को, सब लोग खड़े थे उनके सामने, सर्वे हुआ, सर्वे होके हम लोग को वहाँ का नकाशा दिया सर्वे ऑफिसर ने, उसके बाद में हम लोग ने टाइटल जो हमारा पास जो टाइटल था, हम लोग ने 7-12 जब जिस दिन हुआ सर्वे किया, उसके बाद में हम लोग ने गोंटी फिनिशिंग किया, उधर हमारे 3 कंटेनर रखे ऑफिस था हमारा तीनों में,
तो उस वक्त हम लोग ने पूरा 2020 से हमारे कब्जे में है। हम लोग ने आप लोगों ने कंटेनर रखा था और वहाँ पे सारी कुछ थी आपकी, यानी सिक्योरिटी भी आपकी थी, फिर ये अचानक कैसे मतलब हुआ? ऐसा हुआ कि मैं घर पे था, 9:30 बजे मेरे को फिरोज का फोन आया। उन्होंने बोला कि अपनी जगह में कहीं गुंडे घुसे है, अपनी जगह में चोरी हुई है। तो मैं वहाँ से उठा और गया पुलिस स्टेशन में। 10:30 बजे में सिंधे साहब को लेके हम लोग चले गए साइट पे। देखे तो वहाँ पे कई गुंडे थे, मतलब गुंजन था, गुंजन के लड़के थे, कई लोग थे उनके साथ में, साथीदार और गुलाम फकीर भी था। हाँ, तो ये आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। उनको मैं बोला भी कि हमारा कंटेनर का भी गया, हमारा ऑफिस का भी गया, तुम लोग ने चोरी किया तो तुम्हारा कितना उसका हुआ, ऐसा वैसा, और दमदाटी करने लगे हमको। तो पहले वो हम उधर गए तो पूरा जमा कर रहे थे, मतलब लोखंड विखंड जो लोहा हुआ भरा था, गाड़ी भरने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग गए तो रुके, जब आप लोग गए तो मतलब टूट चुका था। हाँ, टूट चुका था, पूरा टूट चुका था, और कंटेनर हमारे उस जगह पे नहीं थे, चोरी हुए थे। मतलब हम लोग ने बोल के जो सामने जो देखे वही चोर है, उन लोगों ने चोरी किया ना हमारी जगह में आके, वो खड़े है बोला तो उन्होंने चोरी किया। तो हम लोग ने बोला कि मैं बोला ये हमारा जो चोरी किया सब कंटेनर जो है पत्रा तुमने तोड़ा भी रहा। तो फिर आपने पुलिस स्टेशन में शिकायत की? हाँ, शिकायत तो पहले पुलिस स्टेशन से मैं गया। हाँ। पुलिस को साथ में लेके गया, पुलिस वाले ने भी देखा। पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, वास्ते आके पुलिस वाले ने बोला चलो ठीक है तुम्हारा इतना ऐसा ऐसा हुआ है। तो पुलिस वाले और खुद पुलिस वाले को बोलने लगा ऐसा वैसा, इधर कोई आने का नहीं जाने का नहीं, पुलिस वाले को भी दम देने लगा। हाँ, तो बाद में हम लोग आए पुलिस स्टेशन में, उसके नाम का FIR भी दाखिल हुआ, FIR किया। बाद में वापस उन्होंने 100-150 लड़के उधर भेज दिया। तो हमने पुलिस वाले को बोला कि उधर लड़के गए वापस उनके, तो वही और वो उद्देश्य में था वो पूरा सामान चुरा के हम लोग लेके जाओगे। FIR में कितने लोगों का नाम है? उसमें है गुंजन के 2 लड़के का नाम है, गुलाम पके के दो लड़के के नाम है, गुलाम पके का नाम है, बाकी इतने साथीदार उनको दिखाया है। अभी उनको हम लोग पहचानते तो नहीं, लेकिन उसमें ऐसा दिखाया कि उनके साथीदार जो जितने थे उतने सबको दिया है। अदर मतलब जितने जो लोग हैं उनके अदर जो थे उनके साथ में उनका भी उन्होंने नाम दिया है। अच्छा, ठीक है, मान लिया कि आपने जो है FIR किए, मतलब जो जमीन का कब्जा आप पर था, फिलहाल आधे हिस्से में गुंजन सेठ का कब्जा नहीं है। उनका कब्जा नहीं है, ये 2 दिन पहले जो हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके पहले 2 दिन भी जो हुआ कब्जा के हिसाब से नहीं है, और चोरी के हिसाब से आए थे। ठीक है, कब्जा तो उनका है ही नहीं, ऊपर से चोरी करके माल ले चले लेके गए, और जो भी अभी भी उधर माल है कंटेनर सब हमारा ही है। हाँ। उसमें से 3 कंटेनर हमारे गायब है। अच्छा, हाँ, कई हमारे कंटेनर गायब है, और गेट और हमारा उधर जो सिक्योरिटी गार्ड भी था। हाँ। उसको इन लोगों ने पकड़ के रखा, उनके पास मोबाइल भी छिना दो, उनको हिलने नहीं दिया इधर उधर जाने का नहीं, उसको किडनैप करके रखा, मतलब उधर ही रखा लेकिन उसको हिलने नहीं दिया उन लोगों ने, और किसी को फोन करने नहीं दिया, इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ा। इन्होंने रातों रात सब गायब कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कि मान लिया कि आपने FIR भी कर दिए, आपके जगह तोड़फोड़ हो गई, कंटेनर गायब हो गया, लेकिन जो सवाल है लोगों के मन में वो मैं कर रहा हूँ कि मतलब आपके पास क्या पुरावे हैं कि आपके सारे कागज जो है कागजात जो सारे हमारे 7-12 है, फेर पर है सब जो 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 लगता है रेवनी खाते में, जो पूरा हमारे पास पेपर है, ये पूरा हमारे पास पेपर है, 7-12 है पेपर है, ऑलरेडी हमारा अभी तक नाम है प्रूफ, उनके नाम का कुछ होगा या तो हो। कभी लिए थे आप जगह? 2020 में लिया। 2020 में? हाँ। कब्जा आपका कब हुआ? हाँ, तब से कब्जा है हमारा। आपका कब्जा कब से? हाँ, तब से हम लोगों ने बाउंड्री पत्र का मांगा था, पक्का बाउंड्री मार के रखा था हम लोगों ने। अच्छा, 3 गेट थे हमारे उधर, और कई 3-4 कंटेनर थे हमारे उधर। फकी जो है कहीं से ऑर्डर लाए हैं, आप लोगों को बोला गया था आप खाली करो उसको, उनके ताबे में दो, तो उसके बाद आप लोगों ने खाली नहीं किया? कुछ भी नहीं, उन्होंने जो ऑर्डर लिया लेके आया था वो तो फेक ऑर्डर था, क्योंकि उन्होंने पहला हमारा 2007 का केस उनके साथ में चालू था, उनके सिद्धिर के साथ में उन्होंने वो केस स्टॉप किया और नया केस उन्होंने डाला, उसमें उन्होंने पैसा देके ऑर्डर ले लिया। हाँ। उसमें हमको कुछ ये नहीं, उसके खिलाफ हम लोगों ने हाईकोर्ट में जाके स्टे भी ले लिया। अच्छा, मतलब जो उसके वहाँ उनकी खारिज कर हाईकोर्ट में हम लोगों ने उसके ऊपर स्टे लिया, उनकी ऑर्डर खारिज कर दिया। अच्छा, उसका कोई सवाल ही नहीं आता उधर। ये कभी हुआ था, मतलब जो है यहाँ से जो कोर्ट ने उनको बोला था जो है कि ये उनको खाली करा के लो, मतलब जो आपको खाली करने के लिए बोला गया था पिछले 1 महीने का उनको टाइमिंग दिया था, 1 महीने में ले लो। एक साल पहला ये जो हुआ था, हाँ।
उन्होंने क्या किया, कोर्ट को भी गुमराह बनाया। हाँ। 94 का उन्होंने एग्रीमेंट बताया और 94 का एग्रीमेंट उनका रजिस्ट्री नहीं था, उन्होंने 2011 में रजिस्ट्री दिखाया और उसके ऊपर के चलिए वो भी उनका एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, उन्होंने कोर्ट को दिखाया नहीं कि हमारा एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने के चलाया नहीं और भद्दत के डाल के उन्होंने कुछ तो ऐसा करके उन्होंने जो स्टे लिया, लेकिन स्टे लिया तो वो स्टे उनके जगह हमारे कब्जे में थी, हम लोग तो कब्जा उनको देने वाला नहीं है क्योंकि हमारे नाम का सात बार है सब कुछ हमारे नाम का, उसके नाम का कुछ है ही नहीं। उन्होंने क्या किया, कोर्ट में चला गया, कोर्ट से स्टे लिया, कोर्ट ने बोला कि उनको ये जो जगह है एक महीने में खाली करके इनके अंडर में दे दो क्योंकि जगह तो हमारी कब्जे में, इसके लिए हम लोग बोला था तो हम लोग हाईकोर्ट में गए ना उसके खिलाफ, तो उसके खिलाफ ऑर्डर ले लिया हम लोग ने, उसके ऊपर हमने स्टे ले लिया, उसके खारिज कर दिया हमने। उस और हाईकोर्ट ने 6 गुंठे पे मतलब जो है स्टे लग चुका है। हाईकोर्ट ने ये भी बोला कि तुम्हारी पहली केस चालू थी वो केस तुमने चलाया नहीं है और नया केस तुमको डालने का अलॉट नहीं है, इसके लिए हाईकोर्ट ने अपने को स्टे दे दिया उनके खिलाफ, तो ये लोग अपनी जगह में आ ही नहीं सकते, कुछ कर रही है नहीं। उनका यही उद्देश्य था कि अपना जो पत्रा जो लगाया था रोड से, कितने का नुकसान हुआ है आपका? 25-30 लाख का नुकसान हो गया हमारा, 25 लाख का तो पक्का नुकसान पकड़ के चलो, 25 लाख का हमारा नुकसान हुआ और उनके पास ऑर्डर थी तो उन्होंने पुलिस बंदोबस्त लेके करना चाहिए था क्योंकि हमको ऑर्डर है तो आपको पुलिस बंदो मिलता था ना, पुलिस बंदो से लेकर उन्होंने लीगली करना चाहिए था। क्या आश्वासन मिला है आपको और अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हमारी यही राय है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ। ऐसे लोगों को कि हरकत दोबारा ऐसी ना करे। हाँ। यही मेरी विनती आपको, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि दोबारा किसी के जगह में जाके और किसी के घर में जाके ऐसी हरकत ना करे। अच्छा, तो एक बात जो आप लोगों ने FIR में 7 लोग का नाम है जिसमें गुंजन सेठ का भी नाम है उसमें, तो वहाँ पे गुंजन सेठ आए थे क्या? आए थे ना, जगह हमारे नाम पे, फकी के नाम पे नहीं है, फकी का कुछ है ही नहीं उधर, फकी के नाम पे नहीं, गुंजन के नाम पे नहीं, नहीं। ये लोग तो चोरी के उद्देश्य में आए थे, जैसा कि आपके नाम पे 2 लोगों के नाम पे 7-12 है। हाँ। फकी से लिए थे आप लोग? नहीं, फकी से नहीं लिया, हम लोगों ने जो मालिक था जगह का अभी उन्होंने रामा दातिल कर उससे लिया हो जाएगा। तो ये कैसे मालिक, क्या मालूम ये लोग आए, फकी का क्या रोल, बलजाबरी से घुस रहे जगह में, ऐसा थोड़ा होता है क्या? ये तो बलजाबरी से घुस रहे ना जगह में हमारे, उनका कुछ है ही नहीं था उससे लेना देना, उनके पास वो जगह उनकी है तो उनके पास ऑर्डर है तो तुम पुलिस बंदोबस्त लेके कायदे से करना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ है, तुम बोलते हमारे पास ऑर्डर है तो पुलिस बंदोबस्त लेके क्यों नहीं उन्होंने किया, या तो दिन में क्यों नहीं किया, क्यों रात के उजाले में जाके गया उन्होंने, ये तोड़फोड़ करने की उनको जरूरत क्या थी? उनकी जगह है, उनके पास ऑर्डर है तो उनको पुलिस बंदोबस्त दे देते ना। कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में आप लोग भी जो है ये काम शुरू किए थे पतरा मारने का, जब आपने जगह नहीं, दिन में मारा। अच्छा, आपने दिन में मारा क्योंकि हमारी लीगल थी जगह, हम लोगों ने सर्वे करके भरनी किया, दिन के उजाले में भरनी किया है ना, सबके सामने भरनी किया, पूरा वो खड्डा था, पूरी जगह भरनी किया और 400-500 गाड़ी डाला उसमें हम लोगों ने माजी का, और उसमें भर्ती करके फिर उसके ऊपर हम लोगों ने कंपाउंड डाला। गुंजन सेठ का क्या रोल है उसका? कुछ भी रोल नहीं, वही मेरे को बोलने का है कि इनका क्या रोल है, नाम कैसा है, गुंजन सेठ का क्या रोल है? अरे इन लोगों ने अपनी जगह पे आके अपनी चोरी किया ना, कंटेनर उठा के लेके गया, पत्रा तोड़ा, ये तोड़ा, सब दो जैसी भी लगाया था, 2 हाइड्रा लगाया था उन्होंने उधर। मुझे बताइए कि गुंजन सेठ का नाम क्यों डाले आपने FIR में, नाम डाला? गुंजन सेठ उधर क्यों आए थे फिर? हाँ। वो आना नहीं चाहिए ना, मैं गया तो गुंजन सेठ उधर था, उसके लड़के थे। हाँ। गुलाम फकी भी था, वो फकी है नाम हुआ फकी का। हाँ, वो भी था उनके साथ में, वो भी ये भी लोग थे हमारे कंटेनर भी गायब किए, वो लोग चोरी के उद्देश्य में आए थे या तो कब्जा करने के उद्देश्य में आए थे, ये मेरे को मालूम है, लेकिन ये तो मेरे को अभी पक्का मालूम पड़ा कि इन लोगों ने चोरी किया हमारा, क्योंकि हमारी माल हमारा गायब है, हमारा उधर का कंटेनर गायब है, कई पत्रे गायब है, कई हाई बीम गायब है, गेट का जो पूरा सामान है वो गायब है, इन लोगों ने चोरी करने के उद्देश्य में आए थे वो लोग, और इन लोगों को मैंने पकड़ लिया क्योंकि मैं उधर जाकर। तो आगे क्या करने वाले हैं आप? अभी आगे तो उनके ऊपर हम लोगों ने FIR तो दर्ज किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही हमारा कहना है, बाकी कुछ नहीं।
वो पुलिस वालों के सामने उन्होंने लगाया, कायदा हाथ में लिया उन्होंने, हम लोगों ने कायदा हाथ में नहीं लिया। हम लोग ने पुलिस वाले बोले कि तुम अब लोग बैठने को उधर कुछ करने का नहीं हरकत, ऐसा वैसा हम लोग ने कुछ किया नहीं। जिस टाइम बिल्डिंग का हमारा काम चालू था तो कॉरपोरेशन ने आके हमारा बिल्डिंग का काम तोड़ा, हमारे ऊपर MRDP हुई। तो अर्लेकर साहब थे, अर्लेकर साहब ने बोला कि इसके ऊपर स्टे है तब तक आप इधर कुछ काम नहीं कर सकते। तो हम लोग चुप बैठे, हमने कुछ कौन सा भी वहाँ पे एक पत्थर भी नहीं उठाया। बंद रही थी, MRDP लगा, MRDP हमारे नाम पे लगी। हाँ। तो हमारे नाम पे MRDP लगने के बाद अर्लेकर साहब ने बोला कि इधर तुम्हारी जगह पे स्टे है, स्टे जब तक खारिज होता नहीं तब तक तुम इधर कुछ भी नहीं कर सकते, उधर से एक पत्थर भी नहीं हिला सकते। हम लोग ने एक पत्थर भी नहीं हिलाया, हम लोग खाली जाके बैठते थे उधर ऑफिस में, बाकी एक पत्रा भी नहीं हिलाया, पत्थर भी नहीं हिलाया, कुछ भी नहीं। और ये लोग आके जाके घुसखोरी कर दिया उसने, उन्होंने पूरा हमारा पत्रा वित्रा सब तोड़ दिया, ये कंटेनर उठा के लेके गए। तो गुलाम फकीर का जो अभी बोर्ड है वो बोर्ड गुलाम फकीर का नहीं है, उन्होंने घुसखोरी करके लगाया है, वो भी कायदा हाथ में लेके लगाया है, क्योंकि पुलिस वालों के सामने लगाया। पुलिस वालों ने बोला हमारा बंदोबस्त है, इधर कोई कुछ लगाएंगे नहीं, कोई कुछ करेंगे नहीं। दोनों पार्टी के बोला कि तुम लोग इधर नहीं है करने का, इधर कुछ बोर्ड नहीं लगा करने का, कुछ नहीं लगाने का, तुम भी झगड़ा वगैरह मत करो, हम लोग कायदे से हम लोग करते। तो उन्होंने तो भी पुलिस वाले थे उधर कंटेनर में बैठे, तो भी उन्होंने जाके उनको दमदाटी लेके धमका के उन्होंने बोर्ड लगाया। तो वो लीगल ही नहीं है मेरे ख्याल से, वो भी निकालना चाहिए, वो भी पुलिस वाले निकालना चाहिए उसका बोर्ड, ये मेरा कहना है। और दोबारा हमारी जगह में आना नहीं चाहिए। तो आपने सुना जो है ये जगह के मालिक हैं, और एक मतलब ये 7-12 पे हैं, और एक जन नाम है जिनका नाम फिरोजी है, वो जो है ये दोनों जन के नाम पर वो 7-12 है। और दूसरी बात, दावा भी इन्हीं का था, कब्जा भी इन्हीं का था। और अब जो है 24 तारीख को जो घटना हुआ, मतलब जो कारनामा हुआ, फकी जो वहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है फकी के नाम से, उनका एक बैनर जो लगा है, उसके बाद से ये मामला कुछ अलग हो गया। कि बहरहाल वहाँ पे कब्जा अब फकी की है। 86 गुंथे का एक पेपर लगा हुआ है जिस पर वहाँ पे नाम बाकायदा लिखा गया है, जो आरोप मतलब लगाने थे इन्होंने लगाए, जो इनको बताना था, जो सिद्ध करना था इन्होंने सिद्ध किए कि जमीन इनके नाम पर है, वो मतलब किसी तरह से दादागिरी करके उस जगह पर बैठे हैं। बहरहाल मामला कोर्ट में है। जिस तरह से बताया गया कि पिछले एक साल पहले कोर्ट में जो नीचे के स्तर पे जो कोर्ट है थाना कोर्ट में, वहाँ से जो है सेशन कोर्ट से उन्होंने एक बेल उन्होंने एक नोटिस लाया था, वहाँ से जो है जज ने कहा था कि आपको 1 महीने में जो है खाली करके देना पड़ेगा। पर उसके बाद वो जवाब को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ पे जो है इस जमीन को जो है स्टे लगा दिया, यानी वो मामला ख़त्म हो जाता है। और ये अचानक से 24 तारीख की जो है बताया जा रहा है, 24 तारीख को वहाँ पर JCB चली है, पतरे तोड़े गए हैं, जो बाउंड्री थी वो तोड़े गए हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने आरोप लगाए। और 7 लोगों का नाम बता रहे हैं, जिसमें एक गुंजन शेख भी है और उनके बेटे लोग हैं। और जो है फकी जो जमीन अभी फिलहाल जिसका बोट लगा हुआ है कंटेनर पे, उनके 3 से 4 लोग हैं, यानी कुल मिला के 7 लोग जो है उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, और 7 ही धाराएँ लगी हैं। फिलहाल न्याय के पक्ष में हैं ये, और जो है कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टीवी।